उधर चंडीगढ़ दे विच पंजाब सरकार वालों कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ते इस स्थापित किया गया कंट्रोल रूम किवें काम कर रहा है इसका जायजा लिया साडे पत्रकार कुलवीर दीवान ने। भारतीय सेना द्वारा पीओके में की गई कार्रवाई के बाद भारत सीमा पाक पर जो हालात पैदा हुए हैं और इन हालातों के मद्देनजर जिन लोगों को बॉर्डर एरिया से विस्थापित किया गया है, पंजाब पुलिस ने पंजाब सिविल सचिवालय में ये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो पांचवी फ्लोर पर बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर ऐसे प्रोवाइड कराए गए हैं जिन पर फ़ोन करके लोग जो हैं मदद मांग सकते हैं और कल से ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है और यहाँ पे जो कर्मचारी तैनात हैं कंट्रोल रूम के इंचार्ज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि लगातार फ़ोन कॉल का सिलसिला जो है लगातार चल रहा है और लोग तरह तरह के सवाल जो हैं इनसे मदद के लिए पूछ रहे हैं। ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को अपने घरों की है, जो लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे ठिकानों पर आकर जमे हैं उनको पीछे घर की चिंता जरूर सता रही है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार जो है हेल्प की जा रही है यहाँ पर लोगों की। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि लड़ाई लगेगी या फिर आगे क्या हालात रहेंगे, आगे क्या लोग करें, ये सब तमाम तरह के जो सवालात हैं वो उनका सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और लगातार लोगों को हेल्प की जा रही है। मेरे साथ इंचार्ज साहब हैं कंट्रोल रूम के, इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो कल से जैसे फंक्शन शुरू हुआ है तो क्या कल से लगातार लोगों की जो मदद का मांगने का सिलसिला है वो जारी है? सर, जो कल से कंट्रोल रूम खुला है, जो पंजाब सरकार ने बादल साहब ने ये कंट्रोल रूम की सुविधा पंजाब के लोगों को दी है, ये बहुत ही अच्छा कदम है कि लोगों को यहाँ घर पे बैठे ही उनको सुविधा उनको बताया जा रहा है कि आपका कैंप कहाँ लगा है, कहाँ आपको सुविधा दी जा रही है। और हम तो ये भगवान के आगे दुआ करते हैं कि ऐसी कोई अनसुखावी घटना ना हो। वो तो सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए ही लोगों को कहा जा रहा है कि आप 10 किलोमीटर के एरिया में जो मकान है उनको खाली करो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए जिसमें कोई जानी नुकसान हो जाए। किस तरह के सवाल जो हैं लोग कर रहे हैं, किस तरह की मदद लोग मांग रहे हैं? लोग मदद तो ये मांग रहे हैं कि हम अपना घर खाली करने के लिए तैयार हैं, पहले भी किए थे, बट हमारा उसमें नुकसान होता है जब हम अपना सामान लेकर जाते हैं, दोबारा लेकर आते हैं, सामान का नुकसान हो रहा है और हमारे जो पशु हैं पंछी हैं उनको हम देखभाल के लिए किसके भरोसे छोड़ दें। तो वो सारा जो जितना भी काम वो मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, वो यही मांग रहे हैं, हम जाए तो कहाँ जाए। जो मदद के लिए मांग आ रही है, क्या लगातार आप सरकार को इंटीमेट कर रहे हैं कि इस तरह की लोगों को मदद चाहिए, जो चाहिए जा रही है? जो भी कंट्रोल रूम में यहाँ हमारे पास उनकी कंप्लेंट्स आ रही है, उस कंप्लेंट्स को रिटर्न में लिख के हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज रहे हैं, उसका आगे वो DC साहब को जो भी है डिमांड करेंगे कि लोगों की ये परेशानी है, इसको ऐसे दूर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि लाखों लोग जो विस्थापित हुए हैं उनकी तरह तरह की चिंताएं हैं। जो कंट्रोल रूम यहां पर पुलिस ने स्थापित किया है उसमें लोग क्वारी कर रहे हैं और मदद के लिए यहां गुहार लगाई जा रही है और यहां से जो है उनकी जो कंप्लेंट है या जो उनकी डिमांड्स हैं वो सरकार तक भेजी जा रही हैं। कैमरामैन जयवीर के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।